तो दोस्तों, जब हारने लगो बीच राह में, तो याद रखना वो चेहरे, वो नाम जो कहते थे कि तुमसे ये सारे के सारे काम नहीं हो पाएंगे। और फिर लगाओ अपनी पूरी जान और दिखा दो सबको कि तुम क्या-क्या हासिल कर सकते हो, और अपने मुकाम को हासिल करके ही मानो, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहो बिना रुके। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है मई 18, 2019, और डे है सैटरडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एडुकेटर हूं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर शो लेकर आता हूं। अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लस मॉडल की तरफ मूव कर रहे हो और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हो, तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और आपको फिर मैं बता दूंगा कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे अवेल कर सकते हो। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, कल का सवाल रिलेट करता था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019 to 2021 से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली पब्लिश किया इस विजन डॉक्यूमेंट को, इसके बारे में आपके लिए तीन स्टेटमेंट थी। पहली स्टेटमेंट कह रही थी, द डॉक्यूमेंट एनविसेजेस टू अचीव अ हाईली डिजिटल एंड कैश लाइट सोसाइटी। जो डॉक्यूमेंट है ये अचीव करना चाहता है कि हम लोग डिजिटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ें और जो पैसे का इस्तेमाल हो, जो कैश का इस्तेमाल होता है, वो धीरे धीरे कम हो सके। इसके लिए यहाँ पे 4C की स्ट्रेटेजी सामने रखी गई, 4 गोल्स सामने रखे गए, जो कि थे कंपटीशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी। दूसरी स्टेटमेंट कह रही थी, जो पेमेंट सिस्टम लैंडस्केप है, इट विल कंटिन्यू टू चेंज विद फर्दर इनोवेशन। हम लोग इनोवेशन की मदद से जो पेमेंट सिस्टम है उसको बदलने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे, जो कंपटीशन बढ़ेगा, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी कॉस्ट मिल सकेगी हमारे कस्टमर्स को, और मल्टीपल पेमेंट सिस्टम ऑप्शंस के असेस भी उनको यहाँ पर मिल पाएंगे। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट की बात करती है कि RBI कंटिन्यू करेगा यहाँ पर इंटरवीन करना, अंदाजी करना इन द प्राइसिंग ऑफ चार्जेस टू द कस्टमर्स फॉर डिजिटल पेमेंट्स। पर यहां पर जितने भी एफर्ट्स होंगे, दे विल बी मेड टुवर्ड्स फैसिलिटेटिंग द ऑपरेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम विद, और जो कि इफेक्टिव होंगे और प्राइस अट्रैक्टिव होंगे। तो देखो, RBI ने इस डॉक्यूमेंट में बोला है कि वो अपनी इंटरवेंशन को धीरे धीरे रिलैक्स कर देगा, कम कर देगा, तो इसीलिए तीसरी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। इसका जवाब होगा A1 and 2 ओनली। उम्मीद है आप लोगों में से बहुत सारों ने इसका करेक्ट जवाब दिया होगा। आपके लिए आज का सवाल है करेक्ट मैच करना, और आपको मैच करने हैं बर्ड सेंचुरीज को उन लोकेशंस के साथ जहां पर वो लोकेटेड हैं। पहला है द्वारका मरीन पार्क, गुजरात के अंदर है। दूसरा है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु के अंदर है। तीसरा है रंगनाथिथु बर्ड सेंचुरी, कर्नाटका के अंदर है। और फोर्थ है सुल्तानपुर सेंचुरी, मध्य प्रदेश के अंदर है। आपके लिए ऑप्शंस हैं A1 and 2 ओनली, B1 and 3 ओनली, C2 and 4 ओनली, या D1 and 4 ओनली। जल्दी से अपने अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1, पहली खबर आपको मिलती है, नो मूव फॉर नेशन वाइड NRC एक्सरसाइज से सेंटर। देखो, बात हो रही है यहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के नाम में ही सिर्फ नेशनल आता है, बट इसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ असम से है। अभी हमारे सामने बहुत ही जल्द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की जो एक्सरसाइज हुई थी, जिसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट हम लोगों के लिए सामने आई थी, जिसमें 40 लाख लोगों को पीछे छोड़ दिया था और अब 36 लाख लोगों ने यहां पर क्लेम किया है, उसकी जल्द ही जो फाइनलाइज्ड रिपोर्ट है वो हमारे सामने आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बड़े बड़े हमारे सामने फैसले भी रख रही हैं, और त्रिपुरा जैसे यहाँ पर जो स्टेट हैं उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया था कि असम की तर्ज पर वो भी अपनी स्टेट के अंदर NRC की एक्सरसाइज कंडक्ट करना चाहते हैं। बेसिकली जो NRC की एक्सरसाइज होती है वो एक तरीके से जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, उनको यहां पर डिटरमाइन करने के लिए होती है कि कौन कौन उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर बाहर से आए हुए लोग हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन प्रॉमिस के अंदर ये बोल दिया कुछ स्टेट्स को कि आप लोगों की स्टेट के अंदर भी हम लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वाली एक्सरसाइज को कंडक्ट कराएंगे, जो कि यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के उस स्टैंड से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है और पार्लियामेंट के अंदर रखा है।
यहाँ पे एनआरसी से रिलेटेड जो इम्प्लीमेंटेशन की पटिशन थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि त्रिपुरा ने डाली थी कि त्रिपुरा के अंदर होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट के अंदर लिखते हुए बोला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनवरी में कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एडिक्वेट लॉज है जिनकी मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़, पेज नंबर 2 पे आपको मिलती है उजाला क्लिनिक्स के बारे में। उजाला क्लिनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिक्स हैं, खासकर अगर आप लोग राजस्थान का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, ओके, और मेंस एग्जामिनेशन में आप इसका जिक्र कर सकते हो। जिस तरीके से बच्चों के ब्रेन में आजकल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है छोटी सी उम्र में, उन सब चीज़ों को रिजॉल्व आउट करने के लिए उजाला क्लिनिक जैसों की ज़रूरत हमें पूरे के पूरे देश में है। देखो यहाँ पर उजाला क्लिनिक्स को यहाँ पर रिवैम्प करने की बात हो रही है, उनको एक नयापन देने की बात हो रही है राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार का ये कहना है कि वो कुछ पीयर एजुकेटर्स को और शैडो एजुकेटर्स को अपॉइंट करेंगे, जिससे यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं उनकी काउंसलिंग की जा सके और उनके मेडिकल और हेल्थ स्कीम्स के साथ भी उनको जोड़ा जा सके। देखो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो लॉन्च हुआ था उसकी टैगलाइन थी स्वस्थ सुलझे किशोर। सुलझे मतलब साइकोलॉजिकली भी वो फिट हों, यहाँ पर किसी गलत राह पे ना चले जाएं, और यहाँ पर वो स्वस्थ भी रहें तो ही वो प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो जिस तरीके से स्ट्रेस वाला जो माहौल बच्चों के अंदर रहता है, जैसे आप देखोगे कि जब बच्चों की यहाँ पे थोड़ी रिप्रोडक्टिव एज आ जाती है उस समय पर उनको मेंटल स्ट्रेस होने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, उन सिचुएशन में उनको अपने आप को किस तरीके से बैलेंस रखना है उसके लिए काउंसलर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो जो उजाला क्लिनिक्स हैं उन्हें इसी पर्पज़ के लिए खोला गया था और अब उसको रिवैम्प कर दिया गया है कि आसपास के जो पीयर एजुकेटर्स हैं, शैडो एजुकेटर्स हैं, उनको भी इस स्कीम के साथ लिंक किया जाए। जो रोल है उजाला क्लिनिक का और जो स्कोप है वो यहाँ पर कनेक्ट करता है इनको फॉर द इनिशिएटिव ऑफ प्रोमोटिंग द मेंटल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और यहाँ पर किसी चीज़ का अगर एडिक्शन हुआ है बच्चों को तो उनको डी एडिक्ट करना। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा पबजी जैसे गेम खेलते हैं, टिकटॉक पे अपना यहाँ पे टाइम बर्बाद करते हैं, जो कि उनके कहीं ना कहीं ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। वो अपना इतना समय बर्बाद कर देते हैं ऐसे यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग के अंदर, ऑनलाइन यहाँ पर एंटरटेनमेंट के अंदर, कि उनका जो ब्रेन होता है वो उस हिसाब से वर्क नहीं कर पाता जो कि उन्हें आगे के लिए काम में आए। ओके, तो इन सब चीजों का अगर किसी को एडिक्शन हो चुका है उसके लिए भी उजाला क्लिनिक्स वर्क करेंगी। नेशनल हेल्थ मिशन के जो स्टेट डायरेक्टर हैं समीर शर्मा जी, उनका यह कहना था कि जो शैडो एजुकेटर्स होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा राजस्थान के अंदर, जो कि सप्लीमेंट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ऑनगोइंग काउंसलिंग स्कीम को। जो नए बैच ऑफ एजुकेटर्स होंगे वो बेसिकली जो बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है एडोलेसेंस के अंदर, जिससे वो फिजिकल और हार्मोनल चेंज को डील कर सकें, उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान देंगे। जो हेल्थ सेंटर हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के, उदयपुर, राजसमंद, भंसवारा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बूंदी, करौली और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एडोलेसेंट हेल्थ स्ट्रेटजी है उसका मेन मकसद ये है कि जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रेवलेंस है उसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकें, एनीमिया की प्रेवलेंस को रिड्यूस कर सकें, और जो एडोलेसेंट जो हैं उनकी जो नॉलेज है और जो बिहेवियरल रिलेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ, उसमें भी उनको बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पर उजाला क्लिनिक्स का इस्तेमाल हो। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 5 पे आपको खबर मिलती है वाराणसी हैज़ ओनली वन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। यहाँ पे बात हो रही है वाराणसी के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2018 के अंदर रिपोर्ट आई थी कि टॉप 15 जो यहाँ पर मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर हैं, उनमें से 14 सिटीज़ सिर्फ और सिर्फ इंडिया की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे जो टॉप रैंक हासिल करी वो कानपुर ने करी, सेकेंड रैंक यहाँ पर फरीदाबाद ने की थी, थर्ड रैंक यहाँ पर वाराणसी ने की थी, दिल्ली ने यहाँ पर 6 रैंक की थी, और 15th रैंक पे यहाँ पर है अली सुभा जो कि कुवैत की यहाँ पर सिटी है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 2015 के डेटा सेट के हिसाब से अगर हम लोग देखें, जिसको पब्लिक में 2016 में रखा गया, वाराणसी के जो अंदर जो एयर क्वालिटी है वो वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक है हमारे पूरे के पूरे देश में। और यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वालिटी मॉनिटरिंग कैपेबल यहाँ पर स्टेशन है जिसको यहाँ पर मेज़र किया जाता है 2.5 और 10 लेवल्स के लिए। ओके, पीएम 2.5 पीएम 10 के लेवल्स होते हैं, उनको मेज़र करने के लिए सिर्फ एक ही स्टेशन है। आउट ऑफ 227 डेज मेजर्ड इन 2015, वाराणसी के शहर में एक भी अच्छी वातावरण वाला, अच्छी एयर वाला यहाँ पर दिन ही नहीं था।
सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉल्यूशन फैलाते हैं हैवी लेवल्स के जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होते हैं, बायोमास बर्निंग, व्हीकुलर एमिशन, जो ब्रिक्स किल्न्स होते हैं, ईंटों की जो फैक्ट्रीज होती हैं, डीजल जनरेटर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम लोग एवरेज एयर क्वालिटी ऑफ पीएम 2.5 की बात करें, जो कि 2017 से 2019 के बीच में रही, वो इम्प्रूव हुई, वो 104 हो गई थी फ्रॉम 206 इन 2016। जो मैक्सिमम पीएम लेवल था वो यहाँ पर 200 से ऊपर ही रहा, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर आता है। वाराणसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑन द प्लैनेट, स्टिल देयर इज़ ओनली वन मॉनिटरिंग स्टेशन। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सिर्फ एक ही मॉनिटरिंग स्टेशन है। पिछले कुछ सालों ने सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, खासकर वाराणसी को ब्यूटिफाई करने में सोलर का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। और अब एक बड़ा यहाँ पर कदम सरकार को ये उठाना है कि एयर पोल्यूशन को भी हम लोग टैकल कर सकें। वाराणसी इज़ वन ऑफ द सिटीज़ दैट इज़ पार्ट ऑफ नेशनल क्लीन एयर कैंपेन, जो कि एक इनिशिएटिव यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी, जिसके अंदर वो एयर क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं 100 शहरों के बाय 20% एट लीस्ट बाय 2024। वन ऑफ द कमिटमेंट अंडर दिस इज टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। फरवरी के अंदर IIT खड़गपुर और शक्ति फाउंडेशन ने इस चीज़ को शो किया कि वाराणसी अभी भी पुअर एयर क्वालिटी से सफ़र करता है फॉर 70% ऑफ द डेज बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट यहाँ पर आप समझना हो जाता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी। ये जो इंडेक्स है, इसको स्वच्छ भारत अभियान के अंदर 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद है वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन। मेन चीज़ यह है कि कॉमन मैन भी, आम आदमी भी आराम से नंबरों की मदद से, कलर की मदद से आराम से समझ सके कि उसके शहर में हवा की क्वालिटी कैसी है, वातावरण कैसा है। एयर क्वालिटी यहाँ पर 6 कैटेगरी में डिक्लेयर की जाती हैं और इंडेक्स इज कंसिडरिंग 8 पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं, जो कि हैं PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB। PB का मतलब होता है लेड, ठीक है। और इनके बेसिस पे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन भी किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया 6 कैटेगरी, ग्रीन, गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी और हजार्डस। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका मतलब क्या है, पॉज करके आराम से रीड आउट करना। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 10 पे आपको खबर मिलती है, हाउस डेमोक्रेट्स कंसर्न्ड ओवर ट्रंप्स इंडिया पॉलिसी। जो डेमोक्रेट्स के जो लोग हैं US के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर, वो थोड़े से परेशान हैं और उन्होंने यहाँ पर एक चिट्ठी, एक लेटर भी लिख दिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, ये बोलते हुए कि कहीं ना कहीं वो परेशान हैं जिस तरीके से इंडिया और US के जो रिलेशन है वो हम लोगों को बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, इंडिया और US के रिलेशन में हम लोगों को पिछले 10 सालों में थोड़ा सा डेवलपमेंट देखने को मिला है, पर अभी चाहे वो इंडिया की साइड से हो या US की साइड से हो, थोड़े से रिलेशन हम लोगों को ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग दोनों ही साइड से देखेंगे। US ने जिस तरीके से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से इंडिया को यहाँ पर बाहर करने का फैसला ले लिया है, इससे इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट ना मिले, क्योंकि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंदर US के अंदर जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर हुआ है, क्योंकि ईरान से इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल यहाँ पर इंपोर्ट करता था। इसके साथ साथ जो हमारा छाबहार पोर्ट है वो भी कंसर्न है बहुत बड़ा, अगर हम लोग सेंट्रल एशिया के अंदर घुसना चाहते हैं। US ये बड़े बड़े स्टेप जो उठा रहा है, इनके क्या क्या कारण हैं, किन कारणों की वजह से US इतने बड़े बड़े कदम ले रहा है। और यहाँ पर आप एक और बता दूँ, US ने भी इंडिया से जो बहुत सारे प्रोडक्ट US के अंदर जाते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा यहाँ पर टैक्स लगाने का फैसला ले लिया है। साथ ही US चाहता है कि इंडिया US से ही ऑयल इंपोर्ट करे, और US ने इस चीज़ से भी मना कर दिया कि इंडिया को वो ऑयल के रेट्स में कुछ कंसेशन देगा। US का कहना है कि जो ऑयल है वहाँ पर वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी ओन करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि इंडिया की तरफ से वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही हैं इस रिलेशन को। सबसे पहले हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। इंडिया के अंदर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हम लोग कहते हैं हम लोग उन्हीं डेयरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे जो उन एनिमल्स से यहाँ पर आए हैं जो कि वेजिटेरियन एनिमल्स हैं। डेनमार्क जैसे देश हम लोगों को ये चीज़ें वेरीफाई करके देते हैं, बट US इन चीज़ों को वेरीफाई करने से मना कर रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अपनी मेडिकल के फील्ड में कैपिंग लगा दी है, खासकर यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर, उससे US प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
हम लोगों ने जिस तरीके से ई कॉमर्स वाले सेक्टर में बोला है कि हम लोग मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल पे वर्क करेंगे, तो जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल पे जो कंपनियां वर्क करने चाहती थी उनको नुकसान हुआ है। हम लोग जिस तरीके से डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट वो कहीं ना कहीं यूएस कंपनीज को हैम्पर कर रहा है। ओके, इसके साथ साथ इंडिया बहुत सारे यूएस के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जब हम इंपोर्ट करते हैं हम लोग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं। और यूएस और इंडिया के अगर हम लोग देखें तो इंडिया के साइड से हमेशा एक सरप्लस रहता है, यूएस की साइड से हमेशा डेफिसिट रहता है। और यूएस यहाँ पर अपनी जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन वाली स्ट्रेटेजी है उसमें अपने डेफिसिट को यहाँ पर सरप्लस में कन्वर्ट करना चाहता है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में इंडिया और यूएस के जो रिलेशन हैं वो मिलिट्री वाइज तो अच्छे हो रहे हैं, चाहे हम लोग कॉमकासा की बात करें, बीका अभी हम लोगों ने साइन नहीं किया है वो भी हम लोग करने वाले हैं, जिस तरीके से यूएस ने हम लोगों को सपोर्ट किया मसूद अजहर वाले केस में, और यूएस बहुत और प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। बट यहाँ पर अगर हम लोग इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में देखें, ट्रेड रिलेशन की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहे हैं इंडिया और यूएस के बीच में। उन्हीं सब चीज़ों में यहाँ पर अपना कंसर्न यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के डेमोक्रेट्स ने प्रस्तुत किया है। तो इंडिया और यूएस की जो यहाँ पर रिलेशनशिप है इट हैज़ बीन मिक्स्ड ओवर द लास्ट टू ऑड ईयर्स ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी साउथ एशिया पॉलिसी अनाउंस करी थी अगस्त 2017 के अंदर, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि हम लोग ग्रेटर डेवलपमेंटल रोल प्ले करेंगे फॉर इंडिया इन अफगानिस्तान, जिसमें इंडिया को लिंक किया जाएगा यूएस के साथ मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर इन ट्रेड। यहाँ पर पाकिस्तान को भी बोला गया कि आप टेररिज्म को ख़त्म कर दो, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया गया, और जो ट्रेड रिलेटेड यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें की गई। पर यहाँ पर जिस तरीके से यूएस भी एक H-1B वीज़ा पॉलिसी लेकर आया, अब ग्रीन कार्ड के कुछ नॉर्म्स भी चेंज हुए हैं, ओके, उससे तो इंडियंस को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, पर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है GSP का और यहाँ पे ईरानियन ऑयल का। और यूएस यहाँ पर परेशान है जिस तरीके से जो ICT है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, मेडिकल डिवाइसेज है, इंडिया की ई कॉमर्स पॉलिसी है, वो यूएस कंपनीज को यहाँ पर इम्पैक्ट करती हैं। पेज नंबर 10 पे आपको एक और खबर मिलती है, इन अ फर्स्ट फॉर एशिया ताइवान बिल लीगलाइजेज सेम सेक्स मैरिज। एशिया में पहले देश यहाँ पर बना है ताइवान, जिसने यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। एक इम्पॉर्टेंट खबर है, एक फैक्चुअल खबर है। तो ये जो वोट था ये उसी दिन हुआ जिस दिन था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया या बायोफोबिया, और एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी LGBTQ कम्युनिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 पे, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिफेंस चीफ को कह दिया है कि वो नहीं चाहते कि ईरान के साथ कोई भी वॉर हो। देखो, जब से यूएस ने अपने कदम ईरान न्यूक्लियर डील से यहाँ पर खींचे हैं, उसके बाद यहाँ पर ईरान भी हमें थोड़ा सा फ्रंट फुट में आता हुआ नज़र आया है। जिस तरीके से ईरान ने बाकी सारे देशों को बोल दिया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन हैं, या तो आप लोग यूएस को मना लो, नहीं तो हम लोग स्ट्रीट का पार्ट नहीं रहेंगे, फिर से अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को चालू कर देंगे, न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर फिर से खोल देंगे। अब यहाँ पर यूएस की जो इंटेलिजेंस है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ जो ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्हें कुछ छोटे छोटे बोट्स में यहाँ पर मिसाइल से डिप्लॉय कर दी हैं, जो कि यहाँ पर यूएस की जो शिप्स हैं उनके ऊपर अटैक कर सकती हैं या यूएस के अलाय के ऊपर यहाँ पर अटैक कर सकती हैं। इसीलिए यूएस ने अपनी वॉरशिप्स और यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को गल्फ नेशन के अंदर डिप्लॉय कर दिया। हम लोगों को दो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के शिप भी सबोटेज गायब होती हुई नजर आई। इसके बाद यहाँ पर जब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और इसी पर्टिकुलर टेंशन के बीच खबर ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब यहाँ पर यह फैसला लिया है, अपने डिफेंस सेक्रेटरी को बोला है कि हम यहाँ पर नहीं चाहते कि कोई भी वॉर हो, और मिस्टर पैम्पियो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने यूरोपियन ऑफिशियल्स को बोला है कि आप लोग पूरी मदद करें कि जो टेंशन चल रही है ईरान और यूएस के बीच में वो डीएस्केलेट हो सके। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे जो मैं आपके साथ न्यूज़ डिस्कशन ले रहा हूँ वो द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ओके, द हिंदू की न्यूज़ नहीं है, याद रखना इस चीज़ को। तो अफगानिस्तान के हाई पीस काउंसिल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट अशरफ घनी के स्पेशल एनवॉय मोहम्मद उमर दुनजई ने यहाँ पर बोला है कि उनकी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी के साथ बात हुई है, और अजीत डोवाल जी ने इस चीज़ को एग्री किया है कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टॉक की वजह से ही यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट टॉक लेड एंड ओन्ड बाय अफगानिस्तान गवर्नमेंट ही होगी। यहाँ पे मेन जो यहाँ पे टारगेट है वो ये है कि जिस तरीके से यूएस तालिबान के साथ बातचीत करके
अफगानिस्तान के जो क्राइसिस है उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अफगानिस्तान की सरकार उन सारी की सारी चीज़ों के खिलाफ है। इंडिया ने अपनी तरफ से इस चीज़ को बोला कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ है और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को यहाँ पर हम सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर नेगोशिएशन का मौका मिले। आगे बढ़ेंगे एक और यहाँ पे खबर, केरला फर्स्ट इंडियन स्टेट टू टैप इनटू मसाला बॉन्ड मार्केट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए फैक्चुअल न्यूज़ है कि केरला यहाँ पे पहली इंडियन स्टेट बन गई है जिसने यहाँ पर अपने मसाला बॉन्ड इशू करे हैं। कहाँ पर? लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। बेसिकली ये ब्रेन चाइल्ड है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस एसैक का कि यहाँ पर जो प्रोसीड्स होंगे बॉन्ड्स के, इनका इस्तेमाल किया जाएगा केरला के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ था फ्लड की वजह से, उनको वापस से डेवलप करने के लिए। यहाँ पर जो केरला की सरकार की ओन्ड यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड है KIIFB, उसने यहाँ पर मसाला बॉन्ड इशू किए 2150 करोड़ रुपीज़ के लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा जो सवाल बनता है वो ये होता है कि ये मसाला बॉन्ड होते क्या हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये क्या होते हैं मसाला बॉन्ड। बेसिकली कोई भी इंडियन एंटिटी यहाँ पर बॉन्ड इशू करती है किसी भी फॉरेन मार्केट के अंदर, और वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं, यहाँ पे रुपी में डिनोमिनेटेड होते हैं, तो उनको हम लोग मसाला बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसमें यहाँ पर जो इशूइंग एजेंसी होती है उसका फ़ायदा होता है और जो यहाँ पर इन्वेस्टर होता है उसका नुकसान होता है अगर हम लोगों को रुपए के जो रेट हैं वो ऊपर नीचे होते हुए नज़र आते हैं। आपके लिए आज के न्यूज़पेपर में बस इतनी खबरें थी। कैसा लगा आप लोगों को, लाइक का बटन दबाकर आप लोग मुझे बता सकते हो। वीडियो का एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड।